नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर कोरोना वायरस के तीसरे स्ट्रेन के बारे में। क्या थर्ड स्ट्रेन बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगा? क्या थर्ड स्ट्रेन बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगा? या फिर क्या अब भी कोई और स्ट्रेन आने वाला है? क्या कोई चौथा स्ट्रेन भी है जो कि आपको यहाँ पर परेशान करेगा और आपको मुसीबतों में डालने का प्रयास करेगा? कितने समय तक और ही स्ट्रेन आते रहेंगे और किस तरह से हमें और ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा? चलिए इसको ग्रहों के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। ग्रहों की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे समय जाएगा इसको देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं जो कैलकुलेशन यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं कैलकुलेशन यूज़ कर रहा हूँ नवंबर 2019 से। जी हाँ, नवंबर 2019 में जहाँ पर कोरोना के स्ट्रेन के बारे में पता चलना शुरू हुआ। दिसंबर 2019 ये वो था जब पहला ग्रहण जो था, जो एक खतरनाक ग्रहण, एक खतरनाक सोलर इक्लिप्स यहाँ पर लगा था। इसके बाद नेक्स्ट डेट जो मैंने ऐड किया है इसमें, वो किया है जनवरी 2020। ये वो डेट था जब कोरोना का भारत में एंट्री हुआ और वहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगी। यहाँ पर क्या देश और दुनिया में या भारत में अगला स्ट्रेन मिलने के चांसेस हैं या नहीं है? अब तक कितने स्ट्रेन मिल चुके हैं? देखिए, तीसरी स्ट्रेन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बट अब तक अगर देखा जाए तो मेन कोरोना का स्ट्रेन है, उसके बाद एक यूके का स्ट्रेन, एक ब्राज़ील का स्ट्रेन और एक अफ्रीका का स्ट्रेन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसी बीच में क्या कोरोना अपना रूप परिवर्तित कर रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं और कैसे अब ये कोरोना थमता हुआ जाएगा या किस तरह से ये थमना शुरू करेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी थी दोस्तों, कि जब जब कोरोना का नया स्ट्रेन आया तब तक एक अलग डेट यहाँ पर हमने देखी। मतलब कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो मेन एक्चुअल जो कोरोना था वो शुरू हुआ एंड दैट एंड्स, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रेन आया दोस्तों, उसकी एक अपनी डेट थी, वो शुरू हुआ, वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद थर्ड जो वापस स्ट्रेन आया, उसकी एक अपनी अलग डेट। इंडिया में अब यहाँ पर देखें तो थर्ड स्ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। इंडिया में कोरोना के थर्ड स्ट्रेन के साथ साथ ही तीसरी वेव की भी बातें यहाँ पर चलने लग गई है। एस्ट्रोलॉजिकली किस तरह से चलती है कैलकुलेशन, इसको भी देखने की और कोशिश समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी जो ग्रह गोचर चल रहे हैं, भारत की अगर कुंडली देखें यहाँ पर दोस्तों, तो शनि और चंद्रमा का विषयोग अभी भी यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है, बट अब इस विषयोग के प्रभाव जो है वो खत्म हो चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं आने वाला समय जो है वो ग्रहों के हिसाब से अच्छे डायरेक्शन को दिखाता है। मतलब कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड हम यहाँ पर रख सकते हैं। साथ ही साथ जुपिटर यहाँ पर जो है वो डिग्री इंक्रीज कर रहा है। जुपिटर अपने आप में 6 डिग्री पर पहुँचने वाले हैं और बहुत ही जल्द जुपिटर एक पावरफुल पोजीशन पे यहाँ पर हमें पहुँचते हुए दिखाई देंगे। मतलब कि जुपिटर 3 डिग्री को यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं। जुपिटर जब 3 डिग्री को क्रॉस कर जाता है तो वो अपने आप में एक जीवनदाता बन जाता है। जी हाँ, मतलब कि 6 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते जुपिटर की ये जो पावर है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और एक एक्चुअल पावर यहाँ पर निकल के आने लगेंगी। शनि का अगर पोजीशन देखें दोस्तों, तो शनि अभी 18 डिग्री पर है और शनि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर देखने को दिखाई देते हैं। राहु और केतु का एक्सिस भी जो है वो 18 डिग्री और 17 डिग्री की तरफ टिल्ड कर रहा है और शनि का 18 से 19 डिग्री की तरफ टिल्ड कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर अगर दोस्तों देखें तो शनि, राहु और केतु का जो एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हुआ है, उसके कंपैरिजन में जुपिटर की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और जुपिटर के अलावा भारत की कुंडली के राजा जो हैं यहाँ पर, भारत की कुंडली के लॉर्ड, लग्न के लॉर्ड जो हैं शुक्र जो हैं वो यहाँ पर अस्त हैं। उस कारण से कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं। बट एक अच्छी चीज़ यहाँ पर दोस्तों ये है कि अभी आने वाले कुछ ही दिनों में शुक्र राशि परिवर्तन कर लेंगे और शुक्र चले जाएंगे अपनी राशि में, अपने नक्षत्र में, अपनी राशि में। जब शुक्र बैठेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और भारत के लग्न में, भारत के लग्न का लॉर्ड, भारत के 6th हाउस का लॉर्ड जब लग्न में बैठ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को पॉजिटिव करना शुरू कर देगा। विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि भारत में जो नए स्ट्रेन का जो प्रभाव है वो उतना ज़्यादा दर्दनायक या उतना ज़्यादा खराब, विनाशकारी स्थिति नहीं बनेगी। बट एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर, वो भी मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस समय में दो चीज़ें अब यहाँ पर होने वाली हैं। पहली चीज़, नई दवाई आने वाली है, नई वैक्सीन आने वाली है, समथिंग रिलेटेड टू कोरोना इज कमिंग वेरी सून। और सेकंड चीज़, कोरोना के इफ़ेक्ट्स बदलने वाले हैं। जी हाँ, कोरोना के इफ़ेक्ट्स बदलने वाले हैं। इट मीन्स कि अब तक जो कोरोना लंग्स पर इफ़ेक्ट दे रहा था या अब तक जो कोरोना
लंग्स को परेशान कर रहा था, ये अब धीरे धीरे अपने प्रभावों को वापस से चेंज करेगा। जी हाँ, ये काम पहले भी हुआ था, ये काम पहले भी हुआ था जब मैंने आपको बताया था कि कोरोना अपना रूप बदल रहा है, उसी के साथ साथ कोरोना अपना रिजल्ट्स भी बदल रहा है। स्टार्टिंग में जो फीवर, जो कोल्ड था, बीच में ऐसे भी हमने देखने को मिला सेकेंड स्ट्रेन के साथ साथ कि उसके इफेक्ट दिख ही नहीं रहे हैं कि शरीर में कोरोना है या नहीं है, और वो प्रभाव कर रहा है अंदर ही अंदर। अब थर्ड स्ट्रेन जो आया है दोस्तों, ये फिर से रूप बदलेगा और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ये ब्लड के साथ साथ स्टमक को अटैक करेगा। जी हाँ, अब कुछ केसेस जो हैं हमारे सामने वो स्टमक के आने लग जाएंगे। ये बात मैंने बहुत पहले भी कही थी कि इस साल में डायलिसिस, किडनी से रिलेटेड बीमारियां बढ़ने वाली हैं और साथ ही साथ निमोनिया में कोरोना कन्वर्ट होने वाला है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं होते हुए ज़रूर दिखाई देंगी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बिल्कुल सामने आएंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो कोरोना में एक बहुत विशेष चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करी है कि जो प्रभाव है वो ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं। जी हाँ, और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ये ख़त्म होता हुआ भी हमें दिखाई देगा। इट मीन्स कि यहाँ पर कोरोना का जो रूप है ये जैसे जैसे बदल रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली वो मददगार साबित हो रहा है, और एस्ट्रोलॉजिकली वो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम तो है बट उसके बाद एक प्रॉपर रिजल्ट्स भी हमें यहाँ पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दोस्तों ये है कि थर्ड वेव या थर्ड स्ट्रेन, अगर दोनों ही बात करें यहाँ पर, तो थर्ड वेव और थर्ड स्ट्रेन बहुत ज़्यादा घातक, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होने वाली है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पूरे वर्ल्ड में हो। बट तीसरी वेव जो है, दैट विल बी द एंड और दैट विल बी द फिनिशिंग स्टेज ऑफ द कोरोना। तो इसीलिए कोरोना का तीसरा स्ट्रेन ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो इतना ज़्यादा खराब नहीं होगा, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को ज़रूर मिलेंगी, अच्छी न्यूज़ हमें देखने को ज़रूर मिलेंगी, और उसके कारण से आने वाला समय हमें अच्छे डायरेक्शन में यहाँ पर लीड करता हुआ नज़र आएगा। काल पुरुष की कुंडली अगर देखी जाए दोस्तों, तो काल पुरुष की कुंडली में भी अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से समय आगे चल रहा है और जिस तरह से चीज़ें आगे चल रही है, गुरु का सीधा दृष्टि जो जा रहा है वो सुख के भाव पे जा रहा है, और सुख के भाव पे गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा देने वाली है। यहाँ पर ये जानना और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें दो चीज़ों से परेशान होना पड़ सकता है। पहली चीज़, साइकोलॉजिकल इश्यूज बढ़ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि माइंड पर इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा, और सेकेंड वेव या दिसंबर के बाद से जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी दिमाग की बीमारियां ज़्यादा रहेंगी, तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को हमें मिलेगी। साइकोलॉजिकल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, मतलब कि लगेगा कि कोरोना है बट हकीकत में होगा नहीं, या फिर छोटा सा फ्लू भी कोरोना लगने लग जाएगा, सिम्टम्स ऐसे देख के लगेंगे कि कोरोना है बट हकीकत में होगा नहीं, ऐसे चांसेस बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो ग्रहों की कैलकुलेशन के आधार पर दोस्तों देखा जाए तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आपको कोरोना से डरने की या परेशान होने की जरूरत अब यहां पर नहीं है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये आपको एक पॉजिटिव लाइफ में लीड कर रहा है, और वैसे वैसे आप कहीं ना कहीं अपने आप के साथ और अच्छे लेवल पर अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों फ्यूचर की सोच रखिए, फ्यूचर पे अब शिफ्ट होने की कोशिश करिए, यहाँ से समय जो है वो मूव ऑन होने का है, ना कि थर्ड स्ट्रेन या थर्ड वेव के बारे में सोचने का है। थर्ड स्ट्रेन और थर्ड वेव का जो एक आंशिक इंडिकेशन है वो मैंने कल के लाइव सेशन में आप सभी को बता ही दिया था कि कब और किस तरह से रहेगा, बट ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो हम काफ़ी हद तक पॉजिटिव सिचुएशन में अब प्रवेश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपको यहाँ पर डरना चाहिए या पैनिक होना चाहिए, आपको बस रिलैक्स रहना चाहिए और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स रखिए, जितना हो सके अपने आप को शांत रखिए, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा और ग्रह उतने ही आपको यहाँ पर मदद करते हुए भी नज़र आएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।